भारत की सांस्कृतिक विरासतों को एक सूत्र में पिरोता एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इन दिनों देश भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होने में खासा उत्साह दिखा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश को केरल का साथ मिला है। आज हम आपको दिखाएंगे केरल के प्रसिद्ध समुद्र तट पर्यटन के बारे में, जहाँ वर्ष भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही केरल में भी वर्ष भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश एक ओर जहां अपनी हसीन वादियों के लिए जाना जाता है, वहीं केरल अपने तटीय क्षेत्रों के लिए मशहूर है। केरल के 14 जिलों में से 9 तटीय क्षेत्र हैं। समुद्र तट पर्यटन केरल में सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ कन्नूर सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है। कन्नूर के अधिकांश समुद्र तट सैलानियों को वर्ष भर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इधर हम लोग DTPC के अंडर बोटिंग सर्विस करते हैं। बोटिंग सर्विस बोले तो बोटिंग सर्विस और पैरासेलिंग, जस्की राइडिंग, बनाना राइडिंग, रिंगो राइडिंग, वो सब इधर हॉलीडेज में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कम से कम इधर तो 1000 का ऊपर, 1000 ने गिनने को नहीं होते, उतना क्राउड इधर आते हैं। इधर एक पार्क भी है बीच के साथ, एक पार्क अपने मेरे ख्याल से इधर सिर्फ केरला में इधर ही है, जो अपने कन्नूर जिला में पय्यांबलम बीच बोल के इधर ही है, बीच के साथ एक पार्क भी है। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ समुद्र तट एशिया में सबसे लंबी ड्राइव है। यहां आप अपने वाहन को समुद्र तट के माध्यम से 4.5 किलोमीटर से अधिक के हल्के ज्वार को छू सकते हैं। पयांबलम समुद्र तट में शाम के समय सूर्यास्त को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां अनेक महत्वपूर्ण समुद्र तट हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। माय नेम इज तनुज, आई एम फ्रॉम कन्नूर। I used to visit over here. Actually, my home is nearby. I think it's one among the best beach in Kerala. One of the cleanest beach compared to other beaches over here. And here we have boating facilities and jet ski, then paragliding. All these stuffs are over here. There is another beach, Morpilamangad beach. It's around 10 kilometers from here. It's one among the longest drive-in beach in Asia, I think so. Which is most popular because it provides lively and rich experience to especially all category of the people, and children always prefer to come here because it is very wonderful experience given to the child. हिमाचल और केरल में वर्ष भर सैलानियों का तांता लगा रहता है और ये इन दोनों राज्यों की सांझी विशेषता है।